दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। इस दरमियान पहली दफा जब से बंगाल में चुनाव हो रहा है, तब से पहला ये वाकया है जब अर्धसैनिक बलों की गोली से चार लोग मारे गए। अब इसको लेकर तरह तरह के विवाद हैं कि किसका कसूर है, किसका नहीं है, लेकिन चार जाने अगर अर्धसैनिक बलों की गोलियों से या पुलिस की गोली से जाती हैं तो निस्संदेह इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए, और वह भी मतदान के दिन। किसी भी तरह इसको इसका बचाव नहीं किया जा सकता है। तरीके दूसरे थे, अगर कहीं भीड़ हमलावर हो रही थी, उपद्रव कर रही थी, जैसा कि दावा किया है वहां के पुलिस अधिकारी ने, तो उसका तरीका अलग हो सकता था टैकल करने का, लेकिन सीधे गोली चलाना मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के पर्व जिसको कहा जाता है, हालांकि क्या हाल बना रखा है जनतंत्र का इस देश में, अभी जो हम देख रहे हैं चुनाव आयोग जिस तरह से इसका आयोजन कर रहा है, जिस तरह संचालन कर रहा है, लेकिन उसमें ये गोलीकांड मैं समझता हूं कि एक बदनुमा दाग की तरह बरकरार रहेगा और दिखाई पड़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे दिन जबकि ये वाकया हुआ, एक और वाकया हो गया जो मीडिया के हिसाब से काफी रंगीन, काफी चटखारे लेकर उसको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वो ये है कि एक क्लब हाउस ऐप है, और जो ये ऐप है वो आमतौर पे एप्पल के जितने डिवाइसेस हैं जैसे आईफोन वगैरह, इन्हीं पर ये अवेलेबल है। इस क्लब हाउस वार्तालाप में देश के कुछ बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे कुछ बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, इस तरह के लोग स्वनाम धन्य प्रशांत किशोर जी से बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी को आप जानते ही हैं कि वो भारत के तमाम राजनीतिक दलों, अगर लेफ्ट को छोड़ दिया जाए, वामपंथी दलों को छोड़ दिया जाए और कुछ क्षेत्रीय दलों को छोड़ दिया जाए, तो इस देश में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसको सन 2011 से लेकर 2021 के बीच, यानी महज 10 वर्षों के बीच, जिसको उन्होंने चुनाव जिताने की अपनी सेवाएं उपलब्ध न कराई हो। वो कभी कांग्रेस को कराते हैं, कभी बीजेपी को, तो सबसे पहले 2011 से करा रहे हैं जब वो नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए, जब उनका चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री जब वो थे, तो 2012 के इलेक्शन में भी उन्होंने ही स्ट्रेटजी बनाई थी। अपने को चुनाव रणनीतिकार भी कहते हैं और राजनेता भी कहते हैं प्रशांत किशोर, बड़ी दिलचस्प बात है। और राजनेता कहते ही नहीं, वो जेडीयू के बकायदे उपाध्यक्ष वगैरह कुछ रह चुके हैं। तो उन्होंने प्रशांत किशोर से, ये सारे पत्रकार बुद्धिजीवी और वकील वगैरह जितने लोग हैं, अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, इसमें कोई गलत नहीं है और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें विवाद है। लेकिन ये जो वार्ता है, जो आमतौर पे रिकॉर्डेड नहीं होती, जो किसी को कोई इसकी जासूसी भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐप बहुत पुख्ता माना जाता है, लेकिन इसको किसी जरिए से लीक किया गया। और लीक कैसे किया गया, और उसके कुछ चुनिंदा पोर्शंस को, वो किया गया भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, उसके जो प्रधान है अमित मालवीय, जिनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, और जानते हैं आप कि ट्विटर से लेकर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के, कई जगह उनको कई बार उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, उनको हटाया गया है उस मीडिया प्लेटफॉर्म से, फिर उनको रिवाइव किया उनके अकाउंट को, तो इस तरह के भी उन पर आरोप हैं। कई बार उनको फेक न्यूज का फाउंटेन कहा जाता रहा है, लेकिन वो दूसरों को फेक न्यूज का जन्मदाता या फाउंटेन कहते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। तो ये अमित मालवीय साहब ने इसको सामने लाया। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर से जो एक दोस्ताना किस्म की बातचीत चल रही है पत्रकारों की, या जो
उसमें अन्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, और इस बातचीत में जो चीजें सामने लाई गई हैं उसमें ऐसा लगता है कि लोग जो हैं बुनियादी तौर पे ये देख रहे हैं, पूछ रहे हैं या समझना चाहते हैं कि टीएमसी और बीजेपी की जो लड़ाई है वो कितनी दूर, कितने फासले की है, क्या होगा इसका, वगैरह वगैरह। अब इसमें कोई अनैतिक नहीं है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनैतिक है, क्योंकि एक तो वो कोई प्रोफेशनल उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि लोग वहां पत्रकारिता के मंच पर है। किसी व्यक्ति की कोई निजी धारणा है वो, या निजी चॉइस है, निजी पसंद है, निजी नापसंद है, वो अलग एक बात है, तो वो उस पर अपनी बात शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आई उसके बाद श्रीमान प्रशांत किशोर ने आज के दिन यानी शनिवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी सफाई में पहला जो इंटरव्यू दिया वो द रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को दिया, और अर्णव गोस्वामी के सामने उन्होंने बताया और बोला और ट्वीट भी उन्होंने किए हैं कि भाई हमारी जो बातें वो बहुत तोड़ मोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस चैट से, इस वार्तालाप से इनकार नहीं कर रहे हैं, उनके जो वाक्यांश हैं, उनके जो सेंटेंस के उस टुकड़े हैं या जो बातें उन्होंने कही हैं, ये उन्होंने नहीं कहा कि ये सिरे से बिल्कुल गलत है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ एक बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं और ये ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ हैं। और उनको वो ये कहते हैं गोस्वामी से अपने इंटरव्यू में भी कि हाँ, मोदी जी की जो एक पकड़ है पश्चिम बंगाल में वो बहुत जबरदस्त है, और ये भी वो कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी के नेता के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50-55% हिंदू वोट बीजेपी के साथ है, ये कहा जा रहा है इसमें एक क्लब हाउस के चर्चा में, और क्लब हाउस की चर्चा में उन्होंने 27% उन्होंने दलित वोट बताए हैं, और 1 करोड़ हिंदी स्पीकिंग लोगों के की संख्या बताई है, और उन्होंने कहा कि मतुआ जो हैं कम्युनिटी के लोग उसमें 75% बीजेपी के साथ हैं, 75% और 25% टीएमसी के साथ हैं, यानी इसका मतलब कि उनके मुताबिक लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस के साथ कोई नहीं है। तो ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हर जगह हैं, ये भी वो कह रहे हैं। एक जगह ये भी आता है कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, ये सब उनके उनके हवाले आता है, और ये क्लब हाउस की बात मैं कर रहा हूं। मोदी जी कुछ लोगों के लिए ईश्वरीय व्यक्ति की तरह हैं, एक कल्ट फिगर हैं। अब इस पर वो सफाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में या मोदी जी के बारे में जो बातें उन्होंने कही उसके अलावा उन्होंने ये कहीं कभी नहीं कहा है कि सीटें 100 के पार कर जाएंगी। उनका ये कहना है कि 100 सीट को वो पार नहीं करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि हमने जो बातें कही हैं वो पहले भी मैं कहता रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको याद दिलाऊं, अभी वो कह रहे हैं कि 100 के आसपास या 100 क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन यही प्रशांत किशोर पहले, आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए और देखिए, कहते रहे हैं कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी, और अगर क्रॉस करेगी तो वो स्पेस, ये स्पेस छोड़ देंगे। ये कौन सा स्पेस, ये भी एक कंट्रोवर्सी रही, क्या वो ये धंधा छोड़ देंगे, स्पेस का मतलब जगह होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने का और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सेवाएं देने का ये जो कारोबार है, क्या इस कारोबार से अपने को अलग कर लेंगे अगर उनका ये दावा गलत हो गया तो, या उनके कुछ समर्थक कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने धंधा छोड़ने की बात नहीं करी, उन्होंने तो ट्विटर अकाउंट पर अपनी जो अपना जो अकाउंट है उसको हटाने की बात की कि हम इस स्पेस पर आएंगे नहीं। अब बहरहाल जो भी हो, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन दोस्तों मैं आज एक दूसरी बात कहने जा रहा हूं, ये जो क्लब हाउस की बात है और भी लोग करते होंगे, अब किसी को सामने लाना होगा तो उन्होंने ला दिया, वो अलग कहानी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आज की कि क्या एक चुनाव रणनीतिकार जो चुनाव स्ट्रेटजी बना रहा है किसी राजनीतिक दल की, क्या वो उस राजनीतिक दल के जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है या नेता है, क्या उसकी महिमा गान
उसका महिमागान इतना ज्यादा करता है। मैं नहीं जानता कि जो चीजें सामने लाई गई हैं, जो टुकड़े टुकड़े में वो बात कह रहे हैं, तो टुकड़ा उनकी भाषा में या उनके स्वर में अगर जोड़ा गया है तब तो ये फेक है। लेकिन अगर फेक नहीं है, जैसा कि वो मान रहे हैं कि ऐसी बात हुई थी लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में दी गई है, यानी एडिट करके, यानी उसको उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो ये मेरे को नहीं समझ में आने वाली बात लग रही है, और शायद आपको भी, कि जो प्रतिद्वंदी दल है, उसका नेता हो उसके या दल हो, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चुनाव रणनीतिकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जब वो सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हो, यानी जो पब्लिक फिगर्स हैं, यानी जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, या इंटेलेक्चुअल्स हैं, या वकील हैं, उनसे जब बात कर रहा है, अपनी पार्टी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसके नेता से अगर बात करें और इस तरह की बात करें, तो बात समझ में आती है कि इंटरनल बातचीत है, उसमें सच को सामने लाने के लिए वो ये बात कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये प्रोफेशनल एक ऑनेस्टी इस पर थोड़ी सी उसमें कमजोरी मुझे नजर आती है। और दूसरी बात, मैं राजनीतिक सलाहकार से लेकर राजनेता बनने की उनकी यात्रा को लेकर जब मैं एक नजर डालता हूं, तो मुझे लगता है कि नियो लिबरल जो इकॉनमी अपने देश की आई, और काफी वर्ष हो गए, दशक हो गए, कई दशक, तो इसके बाद से मुझे लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने, आर्थिक सुधारों ने देश की राजनीति में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया। जनता से कटकर राजनीति को कैसे कॉरपोरेट से जोड़ा जाए, वैश्विक पूंजी से जोड़ा जाए, फाइनेंस कैपिटल से जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए क्या क्या किया जाए, ये सब केवल भारत में नहीं हुआ, दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ। खासकर वे मुल्क जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, डेमोक्रेसी जिनके यहाँ एक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद थी। और यही नहीं, इसमें ऐसे लोगों को देखा गया बहुत कंट्रीब्यूट करते हुए, बहुत असिस्ट करते हुए, जिनके रिश्ते अलग अलग ढंग के लोगों से थे, जिनके रिश्ते बाहर के भी लोगों से थे, भीतर के भी लोगों से थे। बाहर का मतलब मैं बाहर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो काम करने वाले लोग हैं, और स्वयं प्रशांत किशोर को अगर आप उनका आप बायोडाटा देखें तो वो भी बाहर बहुत काम कर चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक जमाने में राजनीतिक दल और राजनेता जनता से जुड़े होते थे, वो अपने चुनाव की स्ट्रेटजी जनता के मनोभाव, जनता के एस्पिरेशंस और जनता के कंसल्टेशन से बनाया करते थे। आज भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो बना रहे हैं, वो हार रहे हैं जीत रहे हैं अलग कहानी है, लेकिन कम से कम वो इस तरह के स्ट्रेटजिस्ट की सेवाएं नहीं लेते, क्योंकि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। न जाने कितने सौ करोड़ या कितने करोड़ का ये धंधा होता है, नोबडी नोज। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कितने करोड़ के थे या कितने सौ करोड़ के थे, खबरें आती रहती हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो चीज नहीं एग्जैक्टली मेरे पास है वो मैं क्यों आपके सामने रखूं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक साधारण राजनीतिक दल जो जनता का प्रतिनिधि हो, जो आवाम का प्रतिनिधि हो, वो कहां से इतनी रकम लाएगा, जो चुनाव स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों के लिए कैसे वो अकूत एक फी या एक शुल्क देगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के चुनावी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, वो राजनीति को, हमारे लोकतंत्र को आवाम से काटकर कॉरपोरेट की तरफ, या जो ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, अदृश्य शक्तियों की तरफ ऐसा लगता है कि वो ले जाते हैं। वो लोगों की बात नहीं बल्कि लोगों की तरफ से अपनी बात पेश करते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, और बहुत सारे राजनेताओं को इतना लुभाते हैं कि वो उनको अपनी पार्टी में पदाधिकारी तक बना देते हैं। आपको याद होगा जेडीयू के एक जमाने में उपाध्यक्ष बन गए थे, और जब नीतीश कुमार जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने उनको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष कैसे बना दिया, तो नीतीश कुमार के मुंह से निकला कि अमित शाह जी के कहने पर मैंने तो बनाया था, और इसका खंडन तो अमित शाह जी ने किया, कभी मुझे नहीं याद आ रहा है, और न नीतीश कुमार जी ने किया, और न तो प्रशांत किशोर ने साफ साफ किया। तो बड़ा दिलचस्प पहलू है कि आखिर प्रशांत किशोर क्या चीज है और क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, और अभी वो डीएमके को भी स्ट्रेटजी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके भी सलाहकार बन गए हैं। तो बहुत दिलचस्प, ये एक वाकया ही नहीं है बल्कि दिलचस्प एक चरित्र का भी मामला है, एक करेक्टर का भी मामला है, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत का भी मामला है। देखिए क्या होता है,
इस चुनाव का और इसके बाद राजनीति का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।